बेगूसराय में भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष और विधायक के द्वारा चुनाव बाद किए गए कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह और बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता ने विधानसभा चुनाव के बाद सदन में बेगूसराय विधानसभा और बछवाड़ा विधानसभा की समस्याओं को सदन में उठाया, उसकी जानकारी दी गई। विधायक और जिलाध्यक्ष ने कहा कि बछवाड़ा में डिग्री कॉलेज बनाने, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ कई बड़े मुद्दों को विधायकों के द्वारा विधानसभा में उठाया गया है। बछवाड़ा में एक दर्जन से ज़्यादा बदहाल सड़कों, आधा दर्जन पुल पुलिया को लेकर सदन में आवाज़ बुलंद की गई। बेगूसराय विधायक के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर सदन में चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि बेगूसराय के विकास के लिए जिस तरह से लोगों ने भाजपा के दो विधायकों को चुनाव में जीत दिलाई है, वह उनके आशाओं के अनुरूप सड़क से लेकर सदन तक उनके हक हुकूम की आवाज़ बुलंद कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। बीजी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रवि कड़गन की रिपोर्ट। विधायक के बाद अध्यक्ष जी आपके सामने विस्तृत चर्चा करेंगे, तो अपनी बातों को रखते हैं। चंद्र भट्टा जी एवं अन्य सभी भाजपा के जिला पदाधिकारी संबोधित करेंगे एवं भाजपा के द्वारा विधानसभा में क्या क्या विधायक सुरेंद्र मेहता जी प्रश्न उठाए थे। हैदराबाद का जो दुर्गा स्थान है, हरम गांव तक जाने की जो सड़क है, वह भी सड़क अभी काफी जर्जर है, उसकी भी मांग किए हैं। भीखम चक मंसूर चक के से वहाँ पर भी पुल निर्माण की बात की है। मंसूर चक से भगवानपुर तक में सड़क की चौड़ीकरण, चरिया बरियारपुर में गंडक में एक, उसी तरह से मंसूर चक प्रखंड में हमने डिग्री कॉलेज का मांग किया, बछवाड़ा में भी डिग्री कॉलेज का मांग किया और सरकार ने जवाब दिया है कि जमीन और साधन की उपलब्धता के आधार पर उसको करने का काम होगा। दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि विक्रम संवत आज के दिन शुरू हुआ था। विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, जिसके खुशी में आज विक्रम संवत आज से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ ब्रह्मांड की रचना आज के दिन हुई है, ब्रह्मांड की कालगणना की रचना भी आज के दिन हुई है। और बेगूसराय की जनता ने जो सेवा करने का मौका दिया है, हम सभी मिलकर बेगूसराय की काम कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ में अपने प्रत्याशी को जिताती है, प्रत्याशी उसी बिंदु जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता को मन में एक आह्लाद आता है। उसी आह्लाद को बिखेरने के लिए हम मीडिया बंधुओं को बुलाया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी सड़क की योजना है, किसी देश को विकास करने में सड़क की अहम भूमिका होती है। तो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में दोनों में सड़क की जाल बिछ रही है, इन दोनों विधायक के चलते ये मुख्य बिंदु है। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री कॉलेज, जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पर डिग्री कॉलेज और दिनकर विश्वविद्यालय, दोनों विधायक ने मांग की है, ये मेरा मुख्य बिंदु है। देखिए, हमारे पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष राजकिशोर बाबू आप लोग को बतला रहे हैं कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र वर्षों से वो विकास के नाम पर अछूता रहा है और जनता इस बार काफ़ी मन बना करके हमें वहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। और हम जब विधानसभा का 17वीं विधानसभा का सेशन चल रहा था, वो मार्च महीने में, हमने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई एक ज्वलंत मुद्दों को वहाँ उठाने का काम, जिसमें स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बेगूसराय में हो, बछवाड़ा में वो चिड़िया बरियारपुर नदी में, गंडक नदी में पुल हो, मानोपुर में पुल हो, वहाँ डिग्री कॉलेज खुले, बछवाड़ा में वो पांच पंचायत का जो चमथा दियारा है उसका कहना था कि हमारा ये वो ब्लॉक हो, हमने उस सवाल को भी सरकार से मांग किया, ये उठना चाहिए। और बड़े पैमाने पर उस चारों पांचों पंचायत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होता है, वो बाढ़ के समय में हमने सरकार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, बाढ़ में वहाँ का जनता कैसे सुरक्षित हो, उसका नुकसान नहीं हो, इसके लिए हमने सरकार से मांग किया है। जल संसाधन विभाग के लोगों ने जवाब दिया है कि हम उसका गंगा किनारे कटाव को व्यवस्थित करने के लिए, कटाव से निजात पाने के लिए बोल्डर पिचिंग करने का काम करेंगे। उसी तरह से वो बड़ा बांध बनाएगा ताकि उसका सुरक्षा हो सके। इसी तरह से बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कैसे
बड़े पैमाने पर वो सड़क बने, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, वहाँ का अस्पताल कैसे दुरुस्त हो, इसके लिए हम काफ़ी संघर्षरत हैं। सरकार से हमने मांग भी की है और सरकार उस पर जवाब भी दिया है कि हम इसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और आज की तारीख में पिछले एक दो सप्ताह से जब से सेशन अब बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर सभी सड़कों पर काम किए जा रहे हैं। जो बचे हुए सड़क हैं उसका DPR तैयार करके यहाँ का कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग को भेज रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक नया बछवाड़ा विधानसभा बनाएंगे, यहाँ का सभी सड़क बनेंगे, सड़कों का जाल बिछेगा और एक शिक्षित और सुदृढ़ बछवाड़ा बनेगा।